बेटा अब आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आपको ट्राइंगल एक बार मैंने समझा दिया लॉजिकली, लेकिन अब स्कूल में ना हमें कुछ काम ऐसे चलाना पड़ता है। देखो मैं आपको उसका डिजाइनिंग साफ क्लियर बताऊंगा कि आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो डेफिनेशन है ट्राइंगल लॉ, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आप दो वेक्टर लेते हो ए एंड बी, उसमें ये एंगल है, ये देखिए मैंने यहां से यहां एरो घुमाया, इसका मीनिंग अब आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता ये एंगल क्यों लेते हैं, वो उनको पूछो ना ये एंगल क्यों, वो कहते हैं इसको यहां रख लो। ये मैथमेटिकल बातें बेटा, ये प्लस टू में मैथ्स में आपको सिखाएंगे ये वेक्टर को यहां रखकर, वो उसी को प्लस वन में यूज करी जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर ये ए है ये बी है, ये वेक्टर सीधा जा रहा था यहां से यहां घूमेगा, सो ये वेक्टर के बीच एंगल आ गया। अब वो कहते हैं कि अगर एक इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, दिस इज द रिजल्टेंट। भाई धागा टेक्निक, आपने यहां से धागा बांधा, ठीक है, ये आपका ओ, ये आपका ए, ये आपका बी हो गया। अगर आप यहां धागा बांध कर चले हैं, पहले आप यहां आएंगे फिर आप यहां आएंगे, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है जी। ये साइंटिस्ट ने कैसे किया कि उसने ये जो था ये डायरेक्ट एडिशन है, स्केरिंग एडिंग है, और अगर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो सीधा ऐड हो जाएगा, अगर दो वेक्टर ऑपोजिट हो तो सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 90 डिग्री पर सीधी पाइथागोरस लग जाएगी, है ना। अब उसके पास आर्टिकल बना, आर्टिकल कैसे बनते हैं, तो आप बच्चे प्लस वन के छोटे बच्चे हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि फिजिक्स कैसे काम करती है। अगर वो उसका आर्टिकल बनाता है कि दो वेक्टर सीधे मैंने ऐड कर दिए, तो वो तो आपको आपने एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर पहले पढ़ ली। अगर वो कहता है 180 डिग्री पर सब्ट्रैक्शन कर दी, उसने वो भी आप कहेंगे ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब वो क्या समझाना चाह रहा है कि जो ऑड एंगल्स होते हैं, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, उन पर एडिशन कैसे होगी। इसलिए जो फिजिक्स में आर्टिकल होते हैं ना, वो टिपिकल केसेस पर होते हैं। इसलिए जो बेसिक ट्राइंगल का आर्टिकल है ना, तो वो जीरो पर है, ना वो 180 पर है, ना वो 90 पर है, उसमें एंगल एक्यूट लिया गया है। बाद में एंगल चेंज करी जाएंगे तो ये शो करेंगे कि ये सभी रिजल्टेंट अपने आप आ जाएंगे। देखिए कैसे, उसने एक वेक्टर ए ले लिया, एक बी ले लिया, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन इसमें याद रखिए, रिजल्टेंट यहां से यहां जा रहा है। ये जो एक वेक्टर की टेल है, ए की टेल है, ये ए की टिप है, और जहां ए की टिप खत्म होती है वहां बी की टेल शुरू होती है। अगर एक वेक्टर दूसरे की टिप से शुरू हो तो वहां हम बोलते हैं कि दीज टू वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर। ये देखिए, अगर ये वेक्टर ऐसे होते ए देन बी देन आर, ऐसे है ना, ए बी एंड आर ऐसे होते तो ये तीनों सेम ऑर्डर था, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। अगर अब हम जो वेक्टर ले रहे हैं वो ऐसे है, ये ए देन ये बी, ये इसमें ए और बी सेम ऑर्डर है और ये ऑपोजिट ऑर्डर है आर, ठीक है। वैसे ये वेक्टर डालने की जरूरत नहीं होती अगर आप कैपिटल यूज करते हो ना, ये भी एक हमारी बुक्स में है कि अगर आप कैपिटल लेटर यूज करते हो तो अंडरस्टूड है वो वेक्टर है, राइट। ए बी, और इस आपने ऐसे जाकर ऐसे वापस नहीं आना, आपने ऐसे जाकर इधर से उधर जाना है ना। अब ये नॉर्मली बच्चा सोचता है कि आप अगर पहले यहां ए गए फिर आप बी गए, अब आप इधर से उधर कैसे जाओगे, उधर से ही आओगे, ये ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या है, देखिए आपको समझाता हूं कि पहले मैं यहां से ए मूव किया, फिर मैं यहां से बी गया, अब मैं वहां से यहां अगर वापस आऊंगा तो मेरा रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। देखिए मैं यहां से चला ओ ए बी, देखिए मैं यहां से यहां वापस आया तो मेरा जो आएगा ए प्लस बी प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, राइट। मैं जहां से चला वहां वापस आ गया, मेरा कोई रिजल्टेंट नहीं है, ठीक है जी। इसको मैं लिखूंगा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस आर, मैथमेटिकली ये रिजल्टेंट नेगेटिव दिखाई दे रहा, फिजिकली इसका मीनिंग है कि रिजल्टेंट है ही नहीं, इसका फिजिकली मीनिंग है कि कोई रिजल्टेंट नहीं है या नेगेटिव है, तभी तो वो जीरो आया ना। अब इसमें क्या है कि ए से बी सेम ऑर्डर है, ये देखिए जो सेम ऑर्डर में होंगे सभी हम पॉजिटिव, यहां से यहां फिर यहां से यहां फिर यहां से यहां, इसमें क्या है ये देखिए ये ऑपोजिट ऑर्डर है, रिजल्टेंट इन ऑपोजिट ऑर्डर। इसमें देखिए हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे ए प्लस बी
अब हम देखिए ए और बी सेम ऑर्डर है, अगर हम यहां से ऐसे वापस आते तो ये पॉजिटिव होता है, अभी ये वेक्टर यहां से जा रहा है, सो हम इसको लिखेंगे प्लस, ये वही आ गया ना एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अगर वो कहता है कि इसका लिखने का मतलब है कि अगर आर नेगेटिव होता तो जीरो होता। देखिए ए बी आर सेम ऑर्डर जीरो, रिजल्टेड आ गया नेगेटिव, इसमें है ए बी आर ऐसे ना होता है, ऐसे होता तो इसलिए हम उसको माइनस आर लिखा है। अब अगर ये उस तरफ जाएगा तो ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस आर। अच्छा ये देखिए, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा, मुझे पता है ये क्यों लगा, क्योंकि मैंने मैथ्स की लैंग्वेज में बात की है, मैंने मैथ्स की लैंग्वेज में बात की है कि आपने रिजल्टेंट बचाना है तो आपको ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करता हूं, देखिए अगर मैं यहां से यहां आता हूं ए, फिर मैं यहां से वहां जाऊंगा बी, अब मैं वहां से वहां आऊंगा तो मेरा रिजल्टेंट जीरो हो गया। अब रिजल्टेंट ये है कि मैं वापस ना आऊं तो कहेंगे, आप कहेंगे रिजल्टेंट कैसे हो यार, धागा ये देखो यहां एक धागा बांध लिया, अब मैं यहां तक आया ए, अब मैं वहां तक जाऊंगा बी, तो धागा अपने आप चला जाएगा, मुझे वापस आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो थर्ड साइड है वो हमने ट्रेवल नहीं करनी, वो अपने आप ही रिजल्टेंट है, थर्ड साइड हमने ट्रेवल नहीं करनी, वो अपने आप ही रिजल्टेंट है। इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, इफ टू एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, यहां इसमें ब्रैकेट में इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी आ जाता है, ये बुक में लिखा होगा। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू डिफरेंट वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना, टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन थर्ड और देन, इसको मैं अभी लिखता नहीं यहां सीधा, देन थर्ड और ओपन साइड रिप्रेजेंट्स देयर रिजल्टेंट टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। अब ये देखो इसमें उसने कहां बोला कि वो वापस आया, उसने साफ लिखा कि अगर ए और बी सेम ऑर्डर में है और उनमें एंगल थीटा है तो जो थर्ड साइड होगी वो उसका रिजल्टेंट होगी, इसका मतलब टेक्निकली वो वापस नहीं आया। मतलब ये है कि यहां से यहां, यहां से यहां, जब वो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली उसका रिजल्टेंट होगा। सो ट्रायंगल दोबारा बोल देता हूं, इफ टू डिफरेंट वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ओपन ट्रायंगल, इसको पहले ओपन थी ना, ये रिजल्टेंट हमने बाद में लिया, ओपन ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू डिफरेंट वेक्टर्स ए एंड बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स देयर रिजल्टेंट टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। सो थर्ड जो है वो ट्रेवल किया ही नहीं है, वो ये वाला केस है, ये वाला केस है ही नहीं, ठीक है जी। अब देखो इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ईजी है, सोल्यूशन ऐसे है कि हमने यहां क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, अब मुझे आई थिंक दोबारा सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है, इसको सी बोल दो। ये जो ट्राइंगल है, अब स्कूल में क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें ना हमें करके दिखानी पड़ती हैं, जैसे ये बी हो गया, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, उसी तरह साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बी, कॉस थीटा बेस ओवर बी, यहां से बी जो है, सॉरी परपेंडिकुलर जो है वो आ गया बी साइन थीटा, और बेस जो है वो आ गया बी कॉस थीटा, राइट, ठीक है जी। अब मैंने इसकी हेल्प से यहां जो बेस है उसको बी कॉस थीटा लिख लिया, यहां से यहां ये सी पॉइंट थोड़ा इधर लिख देते हैं, और ये बी साइन थीटा। अब आप देखिए कि यहां से वहां तक बी ए है, वहां से वहां तक बी है, और ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की कोई डायरेक्शन भी होगी इसके साथ। सो इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं जिसमें मैं शो ही वो चीजें करूंगा जो मुझे चाहिए। देखो ये ओ है, ये सी है, और ये बी है, ये मेरा रिजल्टेंट है। मैंने उसमें जो कोई फालतू चीज, यानी कि ये जो है मैंने एक्चुअली बी को बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा में ब्रेक कर दिया। अब ये मेरा ए हो गया, जैसे मैंने यहां
इस 3 को 3 cos 60 3 sin 60 में ब्रेक किया था उसी तरह इसको ब्रेक कर दिया। अब बेस यहां से यहां तक O से C तक क्या है, यहां से यहां तक A है, उसके आगे B cos थीटा, ये आ गया जी A plus B cos थीटा। अगर आपने इसको मैथमेटिकली याद रखना है तो टू वेक्टर्स ऑन द सेम लाइन कैन बी डायरेक्टली एडेड, A plus B cos थीटा, परपेंडिकुलर क्या है B sin थीटा, ठीक है जी। अब जो मेरा रिजल्टेंट है यहां से यहां तक ऑपोजिट ऑर्डर में, ये दोनों सेम ऑर्डर हो गए। अब जो ऑपोजिट ऑर्डर में ये जो मेरा रिजल्टेंट है, अब आपको पता है कि इसको कैसे निकालना है, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा स्पेस की जरूरत है इसको खत्म करने के लिए, ये मैं ये अब इसको खत्म कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये अब आपको याद हो गया होगा, और ये भी खत्म कर देता हूं, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन क्लियर है, तो जो थर्ड साइड होती है वो अपने आप कवर होती है, आपने वापस नहीं आना होता उसको कवर करने के लिए। अब यहां देखिए, ये अब जो ट्रायंगल मैं रिपीट करता हूं, ए के बाद जो बी वेक्टर था वो स्लैंटिंग था, स्लैंटिंग वेक्टर के दो कंपोनेंट बना लिए। अब जो टोटल बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर जो है वो बी साइन थीटा। अब इसमें हम एक तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ये जो डायगोनल है ये मैग्नीट्यूड है, इसको लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी, पाइथागोरस लगाएंगे, ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बन गया आर स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, राइट। ये अब a प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा आ गया, और इसका स्क्वायर ये हो गया। अब इसको हम यहां लिख लेते हैं, ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये देखिए इसमें और इसमें b स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, सो ये बी स्क्वायर है अंदर है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वन होता है हम जानते हैं, है ना, साइड में लिख लीजिएगा इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। सो यहां से ये जो रिजल्टेंट है बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, ठीक है जी। ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब यहां डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए ये वेक्टर ए और उससे आगे वो बी था, जो ये रिजल्टेंट यहां से वो बी की टिप तक जा रहा है वो ए से कोई एंगल बना रहा है ना, जैसे रिजल्टेंट का ये जो एंगल है यहां भी लिख देते और यहां भी लिख देते, ये सेम है। अब यहां डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन के लिए हम ये बोलेंगे ना कि रिजल्टेंट जो है वो ए के साथ इतना एंगल बनाता है, तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो हम यहां लिखेंगे टेन वही इन ट्राइंगल ओ बी सी टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बी सी ओवर ओ सी, सो टेन अल्फा बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको आप अल्फा को टेंजेंट टैन उस तरफ ले जाओ, ये आप जानते हो मैथमेटिकली, इसको यहां लिख दो। सो ये डायरेक्शन, अब इसमें क्या हुआ कि अगर ए एक वेक्टर है बी दूसरा वेक्टर है तो उसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड ए एंड बी कॉस थीटा को बेस लेने से और बी साइन थीटा स्केयरिंग एडिंग करके ये आ जाता है, और उसकी जो डायरेक्शन है ए के साथ, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ए एंड बी जो टू वेक्टर्स दिए गए हैं उन दोनों का रिजल्टेंट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा, और ये जो रिजल्टेंट है a वेक्टर के साथ ये जो अल्फा एंगल है वो ये बना रहा है tan अल्फा b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। अब हमारे पास अगर a और b की वैल्यू है तो उसको हम उसके जो है एग्जांपल भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक एग्जांपल भी देता हूं और फिर उसके आगे चलेंगे हम। Thank you very much.